अस्सलामुअलैकुम, होप सो यू आर डूइंग गुड। सो आज की जो मेरी वीडियो थी वो थी क्यू एन ए के रिप्लाईज। आई नो ये बहुत ज़्यादा लेट हो गया, वो इसलिए क्योंकि मेरे रेगुलर बेसिस पे हो रहे थे अकेडमी में टेस्ट, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि मैं अपने ना उस रेगुलर टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकालूँ क्यू एन ए के रिप्लाईज के लिए। लेकिन फाइनली आज मैंने टाइम निकाला और मैंने सोचा कि आज क्यू एन ए के रिप्लाईज दे दिए जाएँ। सो अब मैं आपको क्यू एन ए के रिप्लाईज दे दूँगी, सॉरी फॉर द लेट। सो लेट्स सी। सो जना पहला क्वेश्चन है योर बेस्टी। माई बेस्टी जो स्कूल में भी है, स्कूल में थी, कॉलेज में भी है और अकेडमी में भी है, वो है अलीशा, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल वही है। अब तो काफ़ी ज़्यादा न्यू फ्रेंड्स भी हैं मेरी, लेकिन जो बेस्टी वाली जो होती है ना तो वो उसके साथ है। अच्छा उसके बाद है आप हमारी जान क्यों बनी। अच्छा ऐसा है कि जब कोई भी फेवरेट फ्रेंड आपकी जान बने ना तो कंपलसरी हो जाता है कि आपको भी उसकी जान बनना पड़े। तो कोई भी रिलेशन हो इक्वालिटी होनी चाहिए, सो मैंने सोचा यार इक्वालिटी होनी चाहिए तो राइट्स पर मैं भी आपकी जान बन गई, सिंपल। अच्छा उसके बाद है आप मैरिड हो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं मतलब क्या यार, सीरियसली मैं क्या लगती हूँ, क्या किस एंगल से मैं मैरिड लगती हूँ, किस एंगल से, यार नहीं हूँ मैं मैरिड। योर एज। मेरी एज है 17 और मैंने अब 18 ईयर्स के हो जाना है 15 सितंबर। ये मैं लास्ट टाइम वाले क्यू एन ए में भी मैंने बताया था ये। अगर आपको किसी बाहर के मुल्क जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करोगी। अगर कभी जाने का मौका मिले तो मैं तुर्की जाना ज़्यादा पसंद करूँगी, मुझे तुर्की जाना ज़्यादा पसंद है। आप हमेशा बैठ के वीडियोज़ क्यों बनाती हो। मैं बैठ के वीडियोस इसलिए बनाती हूँ क्योंकि यार एक तो मुझे लोकेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है, दूसरा मेरी ट्राईपॉड कितनी लेंथ नहीं है कि मैं खड़ी होकर वीडियो शूट कर सकूँ। सो डैट्स वाई मुझे लोकेशन और हाइट जहाँ अच्छी लगती है मैं वहाँ बैठ के वीडियो बना लेती हूँ। अच्छा ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ, टिप्स चाहिए आपसे। यार कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको ना तो लैपटॉप चाहिए ना आपको पूरा, मैं आपको कहूँ कि आपको कंप्यूटर सिस्टम अरेंज करना पड़ेगा, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। हाँ बस आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए जिसकी स्टोरेज मेमोरी अच्छी हो, ठीक है। सेकंड उसका कैमरा अच्छा हो, सेल्फी जो फ्रंट कैमरा होता है ना वो अच्छा होना चाहिए इसका। थर्ड वन आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, आपको कैमरा शायद नहीं होना चाहिए, आपको बात करनी आनी चाहिए, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन है अपनी डेली रूटीन बताएं। डेली रूटीन मेरी ये है कि मैं रात सारी पढ़ती हूँ, मैं मतलब रात 12 से लेकर सुबह 3-4 बजे तक अजान होने तक पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ के फिर सो जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं सुबह 9 बजे उठती हूँ, 9:30 बजे तक नाश्ता करने के बाद फिर पढ़ते हैं 12-1 बजे तक, फिर बीच में जोहर की नमाज का गैप देते हैं, फिर उसके बाद 3:30 बजे आखिरी रिवीजन करते हैं, 3:30 बजे अकेडमी में टेस्ट देने चले जाते हैं, बस वहाँ से मैं 7:30-8 तक वापस आती हूँ, और फिर उसके बाद फिर वही रूटीन साइकिल चलता रहता है, बस ये मेरी रूटीन। आप कौन हो। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। नहीं मतलब क्या यार, मैं आपको मार्स से आई हुई लगती हूँ। लाहौर के किस कोने में रहती हो। पहली बात मेरी बात सुनो, दुनिया गोल है, ठीक है, दुनिया का कोई भी कोना नहीं होता, तो पहले ये कंफ्यूजन दूर करो। अच्छा उसके बाद है हाउ टू स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। यार अपने आप को पहली बात तो ये आपको किसी के साथ कंपेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जो खुद दो ना वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आप खुद दो, ठीक है। इट डजेंट मीन आपके, अगर आप किसी के अंदर बुरा अच्छाइयाँ देखते हो, आप उसको देख के कहते हो हाई यार इसके जैसा बनना, मैंने क्यों भाई क्यों बनना आपने, आप जो हो आप खुद दो, क्यों कंपेयर करना। और दूसरी बात, वो इंसान किस रास्ते पर जा रहा है आपको क्या पता। वो एक इंग्लिश का प्रोवर्ब है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो कभी भी आप किसी को देख के खुद को कंपेयर नहीं करोगे यार मुझे इस तरह का बनना है, नहीं किसी का कर रहे हैं ना उसको करने दो। आप अपने आप को जो है ना अपनी नज़रों में अपग्रेड करो, ना कि दूसरों को देख के अपनी नज़रों में आप डिग्रेड कर लो। वाह कितनी अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हूँ मैं। अच्छा उसके बाद बगैर फिल्टर के पिक्स कैसी अच्छी आ जाती हैं आपकी। बगैर फिल्टर के नहीं यार, मैं ना सैमसंग के फ़ोन में वॉम वाला फिल्टर है, बस उससे तस्वीर खींचती हूँ और वो अच्छी आ जाती है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भी कमाल करती हैं और फिर पूछती हैं आस्क मी समथिंग, आपको किसी के ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आई नो मुझे किसी के ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है, मैं जो हूँ बहुत अच्छी हूँ जैसी भी हूँ। लेकिन ना बस थोड़ा कंटेंट और टाइम पास के लिए ना बंदे को ये लगाना पड़ता है, बाकी ओपिनियन और ये सिर्फ इसलिए होता है कि मुझे दूसरों की थिंकिंग भी देखनी पड़ती है कि अगर आप सोशल मीडिया पे आए हो ना तो आपको देखना पड़ता है कि आपके रिलेटेड लोग क्या सोच रहे हैं। सो बस इसीलिए मैंने लगाया। आप जिम करती हो। मुझे क्या ज़रूरत है जिम की यार, मेरा वेट 49 से ऊपर नहीं जा रहा, तो मुझे क्या ज़रूरत है जिम करने की, मैं नहीं जिम कर रही। व्हाट वाज योर बिगेस्ट सक्सेस।
बिगेस्ट सक्सेस, अभी तो फिलहाल सक्सेस कहीं पे भी मुझे मिली नहीं है, लेकिन अगर मुझे सक्सेस मिले तो वही कि मैं अपनी मामा को प्राउड फील करवाऊँ, वही मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस है मेरी लाइफ की, मेरी सबसे बड़ा एम यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बट आई थिंक एक बेटी के लिए सबसे बड़ी सक्सेस यही हो सकती है कि वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाए। सिर्फ स्टडी के लिए थोड़ी टिप्स बता दें भाई, मैं आपको क्या टिप्स बताऊँ, मैं खुद परेशान हूँ अपनी स्टडीज़ को लेकर। अगर फिर भी आपने देखना है तो रात 12 से लेकर सुबह 4 तक का जो टाइम है आप उस टाइम में पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो दोनों से भी क्लास के आप स्टूडेंट हो, तो अगर आपको नींद ज़्यादा प्यारी है तो फिर आप रात को टाइम से सो और सुबह 8 बजे तक उठ जाओ। 8 बजे उठ के सुबह 8 से 12 तक की टाइम बहुत अच्छा है पढ़ने का, उस टाइम भी खामोशी होती है, उसके बाद सारे दिन के काम वगैरह होते हैं, तो वो मेरे हिसाब से वो सबसे बेस्ट टाइम है। ये कि रूटीन भी ज़रा सेट हो जाती है। उसके बाद है आप खाने में सबसे अच्छा क्या बना लेती हो। मैं खाने में सबसे अच्छा बिरयानी बना लेती हूँ, मुझे अपने हाथ की सिर्फ बिरयानी पसंद है बस, और कुछ नहीं मुझे पसंद। फेस से ही शरारती लगती हो बाकी यार मैं बाकी शरारती हूँ बस, वैसे मैं सुलझी हुई बच्ची हूँ, लेकिन ना जब कभी कभी अंदर का जिन तंग करता है ना, वो कहता है पंगे करो पंगे, तो फिर मुझे पंगे करने याद आ जाते हैं। को स्पाइसी ज़्यादा पसंद है या मीठा। मीठा इज लव ब्रो, मीठा बहुत पसंद है, हर टाइम मीठा 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 होना चाहिए, कुछ भी करो बस मीठा हो। अपनी एनर्जी लेवल और इतना अच्छा कैसे बोल लेती हूँ, मैं कैसे बोल लेती हूँ यार। पहली बात तो ये कि मैं एक बहुत डम लड़की थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैं ऐसी नहीं थी जैसी मैं अब, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं मोटिवेट होना शुरू हुई, मुझे मामा ने मोटिवेट करना शुरू किया और फिर मैं इस स्टेज पर आके खड़ी हो गई। लेकिन इससे पहले मैं कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल ज़ीरो थी, ज़ीरो ब्लैंक। अच्छा जी, उसके बाद है आपके नेल्स की ग्रोथ अच्छी है, आप नेल्स टिप्स के लिए नेल्स के बढ़ाने के लिए टिप्स बता दें। मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, मेरे नेचुरल जो है ना ये हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है नेल्स। आज ना मैंने 2 महीने सिर्फ एवियन के कैप्सूल खाए थे बस। वो कहते हैं कि स्किन के लिए, बालों के लिए और ना नाखूनों के लिए वो अच्छी होती है, वो भी 3 मंथ्स का कहा था मैंने आलकसी के मारे, वो भी मैंने 2 मंथ्स खाए थे, 2 मंथ्स खाए थे, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दी थी। तो आप बस तब से ये नेचुरल ग्रोथ कर रहे हैं। आपसे घर में सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता है। मेरे से तो घर में सबसे ज़्यादा वो सारे ही प्यार करते हैं तकरीबन, क्योंकि आफ्टर ऑल घर की बड़ी बेटी हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा प्यार मुझसे मेरी नानों करती हैं उनके थोड़े ज़्यादा मैं क्लोज हूँ, बाकी सब भी ठीक हैं, लेकिन उनके साथ जो है ना मैं ज़्यादा क्लोज हूँ उनके। मैं योर ड्रीम, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, माई ड्रीम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर, तो बस वही लाजमी तौर पर उसी को कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर वो ना हुआ, अब तो पूरी कोशिश है कि FSC में अच्छे नंबर ले लूँ और मेडिकल ही फील्ड कंटिन्यू रखूँ, बट अगर वो नहीं होती तो BS ऑनर्स का भी मूड है मेरा, जो फिर जो अल्लाह को मंजूर। मेडिकल की कौन सी फील्ड में जाना पसंद करेंगी आप। मैं मेडिकल में जाना पसंद करूँगी BDS में, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि मुझे डेंटिस्ट्री में इंटरेस्ट है, मैं डेंटिस्ट्री करना चाहती हूँ। आप मेकअप क्यों नहीं करती हैं जबकि इतने अच्छे अच्छे मेकअप ब्रांड्स हैं। मुझे मेकअप करना नहीं पसंद है, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है कि मैं मेकअप करूँ। है कि जहाँ पे कहीं जाना हो ना, उठो हिजाब करो और भाग दो, बस इतना ही काम मुझे, इतना ही होता है, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं होता। योर बिगेस्ट फियर, सबसे ज़्यादा लिजर्ट और कॉकरोच से डर लगता है, सबसे ज़्यादा बिगेस्ट फियर है वो दोनों में। विच थिंग अनोइंग यू द मोस्ट। माई सिस्टर इज़ द मोस्ट अनोइंग पर्सन इन माई लाइफ, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब उससे जब तक मुझे तंग ना कर ले मुझे लगता है उसका दिन ही नहीं चढ़ता, वही मोस्ट अनोइंग है, और मुझे किसी चीज़ से कभी चिढ़ नहीं हुई। विच थिंग इंस्पायर यू टू बिकम अ ब्लॉगर, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था माय मॉम्स मोटिवेशन, बस मामा मोटिवेट करती थी बहुत करती थी, तो फिर मैं करते करते मैं यहाँ पे आ गई। आपके इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर्स हैं, इतने होने के बाद भी लोगों में एक एटीट्यूड आ जाता है आप में वो एटीट्यूड नहीं है। ऐसा है कि यार एटीट्यूड रखने का क्या फ़ायदा है, कुछ भी नहीं मिलता एटीट्यूड रख के। यह हमारी ना पाकिस्तानी आवाम है कि अगर हम किसी को सर पे चढ़ा रहे हैं ना, अपने यहाँ आसमानों पे चढ़ा रहे हैं, तो हम उसको एकदम से नीचे फेंक भी देते हैं, 1 सेकंड लगाते हैं हम फेंकने में, तो इसलिए गुरूर करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है यार। तो इंसान जिस हाल में उसी में इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। वाई इज़ माइटोकॉन्ड्रिया नाउ एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये क्या क्वेश्चन है, मैंने Q&A का पूछा था, आप ये बायो का क्वेश्चन कौन करता है। अच्छा, वाई इज़ माइटोकॉन्ड्रिया नाउ एज द पावर हाउस, बिकॉज इट सिंथेसाइज ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आप गूगल कर लेना यहाँ से ठीक है कि गलत है, अगर नहीं है तो बस गई मैं। ये एनर्जी बजट वाला टॉपिक है 9th क्लास में, ऐसे ही कुछ है। इतने थोड़े टाइम में इतने ज़्यादा फॉलोअर्स किस तरह हो गए आपके, किस तरह हो गए यार, बस होते जा रहे हैं फॉलोअर्स, मैं अब रोक लूँ उनको
जैसे हो रहा होने तो फॉलो रिक्वेस्ट आई जा रही है, फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। लाहौर में गर्मी किस तरह की है भाई? मुझे लगता है दुनिया चांद पे जा रही है और जो हमारा लाहौर है ना वो सूरज की तरफ जा रहा है। इस तरह की गर्मी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, लाइक 42-45 राउंड अबाउट टेम्परेचर रहता है हमारा। बहुत 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 गर्मी है। अगर आप कराची की हो तो आपकी कराची में तो ज़्यादा होगी, पता नहीं आप कहाँ पे हो। आप कभी लाइव आएँ? मुझे लाइव आना नहीं पसंद है। लाइव अगर आपने आना भी है ना तो आपको लोकेशन देखनी पड़ती है, आपको फिर लाइटिंग देखनी पड़ती है, तो वो बड़ा इशू होता है। मैं कहती हूँ लाइव आने की जान छुड़वाओ, इस तरह वीडियो बना लो। सो जनाब यहाँ पे ख़त्म होते हैं मेरे क्यू एन ए के रिप्लाईज। होप सो मैंने सबके रिप्लाई दे दिए, और अगर कोई रह गया हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी इंशाल्लाह अब हम वीडियो बनाएंगे आफ्टर एग्जाम्स, 20 डेज अब हमारे पास सेकेंड ईयर वालों के पास तो सिर्फ, तो इंशाल्लाह उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी। कंटेंट मैं तब तक सोच लूंगी, कोई ना कोई हो तो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास भी कोई कंटेंट हो तो उसको मस्ट मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करो, मुझे डीएम कर दो। मेरा इंस्टाग्राम जो है मेरे यहाँ पे भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरे पास मैंने दिया होता है, तो आप मुझे वहाँ जाओ, मुझे डीएम करो और मेरे साथ कंटेंट शेयर करो। अल्लाह हाफिज़।